झांसी। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हंसारी की रहने वाली कक्षा 10 की एक छात्रा के साथ गांव के ही एक दबंग जात के एक युवक ने जबरन बलात्कार किया। जब इसकी जानकारी छात्रा के परिजनों को हुई तो उन्होंने घटना की सूचना प्रेम नगर पुलिस को दी। घटना के लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक ना तो पीड़ित छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, न ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। आज फिर अधिकारियों के समक्ष छात्रा व उसकी मां ने प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उसकी मां पुलिस प्रशासन के इस रवैये से बेहद दुखी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रही है। क्रांति, क्रांति जी, क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ, कैसे हुई? साहब, मेरी बेटी के साथ उसने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मेरे अब काम करने जाती हूँ, और काम करने के बाद उसने यही फायदा उठाया कि उसने उसके द्वारा मेरी लड़की को बेइज्जत किया। साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं 20-25 दिन से घूम रही, साहब मेरे जो कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या गरीबों के लिए क्या कानून नहीं होता? क्या मैं गरीब की लड़की या किसी की? तो इसमें पुलिस प्रशासन ने आपको क्या, मेरे को चक्कर 20 दिन से मेरे को चक्कर कटा रहे, आ जाओ कर लाओ, आज त्योहार है, होली कर लो, उसके बाद देखते हैं। कोई पकड़ा दकड़ी कुछ नहीं। साहब, मैं पूछती फिर रही हूँ कब होगा, तो कह रहे एक दिन बाद आओ, दो दिन बाद आओ, चार दिन बाद आओ। मैं इस चक्कर करते करते मैं परेशानी हो गई हूँ। घटना हुई आपके साथ और कब हुई है, कैसे हुई है? बोलो बोलो, क्या नाम हुई आपका? मुस्कान रायकवार। कहाँ से हो? हंसारी से। मुस्कान, क्या हुई घटना, घटना बताएं जी। मेरी फ्रेंड है निशा यादव, तो उसका जो चाचा है तो उसने मुझे बोला, ब्रजेंद्र यादव, तो उसने मुझे बुलाया, तो उसने बात करने की बोली, तो मैंने उससे मना कर दी, तो उसने धमकी देने लगा कि घर वालों को मार देगा और सबको मार देगा। तो मैंने घर में बताया, तो घर वाले उसके घर पे गए, तो उसने मार मार के भगा दिया, गाली वाली दी सबको, और फिर उसने उससे मना की, तो सबको मारने की धमकी देने लगा। और अभी जब हमने रिपोर्ट डाली तो फोन आ रहा है कि राजीनामा कर लो। चंद्रशेखर और हरिशंकर बार बार लगे घर में आए थे, कुंडी उंडी लगा दी उन लोगों ने, और लगे बार बार धमकी देने कि राजीनामा नहीं करोगे। क्या किया और ब्रजन ने आपके साथ क्या किया? जी, उससे अवैध संबंध बनाए मेरे साथ, मैंने मना करने के बाद भी। मुस्कान जी, ये मामला कितने दिन पहले हुआ था जी? आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।